आज बेटे गर्व को किसी एक कंपनी को ज्वाइन करना था। वह जानती थी कि घर वालों से तो पूछेगा भी नहीं, खुद ही डिसाइड कर लेगा। अब बच्चा बड़ा समझदार हो गया, अब उसे माँ से भी पूछने की क्या ज़रूरत। क्या क्या नहीं सोचती थी यामिनी, अपने राज दुलारे को कितने प्यार से पाला उसने, पर उसका पल्लू पकड़ कर चलने वाला बच्चा कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। जब रात रात भर पड़ता तो भले ही वह सोती, पर हर आहट पर जाग कर कभी गर्म दूध चाय कभी कॉफ़ी उसके हाथ में थमाती। जब से उसने स्कूल कॉलेज छोड़ा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था तो जैसे अपने में ही मस्त हो गया। उसे कितनी बार लगता कभी शाम को आकर फिर उसके गले लग जाए और शिकायत करे कि मम्मी आज दिन भर तो हमारी बात ही नहीं हुई, या कभी माँ से ही पूछ ले कि मम्मी तुमने दिन भर क्या किया। इतना तो छोड़ दो, अब तो वह उसकी कुछ पसंद की डिश भी बनाती है तो जल्दी जल्दी खाकर निकल लेता है। खुद वही पूछती है कैसा लगा तो बड़ा डिप्लोमेट सा जवाब देने लगा है, आपकी बनाई तो हर चीज़ ही अच्छी होती है। और इतनी जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है या कोचिंग के लिए घर से निकल लेता है। कभी उसके यार दोस्त आए हुए होते हैं, एक घर में रहते हुए भी उसे लगता कि उसने अपनी अलग ही दुनिया बना ली। कितना निर्मोही हो गया है उसके ही दिल का टुकड़ा, दिन भर में हजारों बार टूट जाती वह। पति रवि भी समझा समझा कर हार गए कि क्यों खुद को टॉर्चर करती रहती हो। उसकी सोच का सिलसिला अगले कमरे में हो रहे बाप बेटे के बीच के संवाद से टूटा। पर तुमने तो इस कंपनी को ज्वाइन करने का सपना देखा था, और पैकेज देख रहे हो बेटा, बिल्कुल डबल है उससे। जब तुम्हारे पास चॉइस है तो तुम आधे पैकेज में दूसरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। पापा इसकी लोकेशन बहुत दूर है, इसमें वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, अभी आप भी बार बार छुट्टी नहीं ले पाएंगे आने के लिए। इसका पैकेज ज़रूर कम है लेकिन हर वीकेंड पर मैं आ सकता हूँ, मम्मी के बिना ज़्यादा दिन। यार तुम भी देखने को छह फिटके हो गए हो पर अब तक मम्मास बे हो, रवि ने चुटकी ली। पापा प्लीज़ मम्मी को ये रीजन मत बताना, नहीं तो मुझे सेंटी समझेगी। यामिनी जड़वत थी, कभी कभी दोस्तों हम अपने मोह में दूसरे का मोह ही नहीं जान पाते, या कभी कभी बच्चे अपने मन की बात नहीं कह पाते। आपके इस बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।